आपको याद होगा जनवरी 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि देश में प्रजातंत्र खतरे में है, हम जनता की अदालत में आए हैं। यानी पूरे देश की जनता जिस सुप्रीम कोर्ट में, जिस अदालत में जाती है, उस सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहते हैं हम जनता की अदालत में आए हैं कि जनता देश के लोकतंत्र को बचाए। और अनफॉर्चुनेटली उनमें आप एक चीज़ देखोगे, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे या जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजेज रहे, रिटायर होते ही वो लोग राज्यसभा सांसद बनने के लिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए, या इधर उधर का कहीं चेयरमैन बनने के लिए, अगर वो लोग अपने जजमेंट के अंदर जुडिशियस माइंड अप्लाई करने की बजाय अगर वो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के डिसीजन दे सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपने निर्णयों में जुडिशियस जजमेंट देने की बजाय प्रभावित होकर जजमेंट दे सकते हैं, तो फिर इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिस BIL से जो मशीनें बनवाई जा रही हैं, उसमें जो डायरेक्टर्स बनाए जा रहे हैं BJP के पदाधिकारी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज से भरोसा उनसे उठ जाता है, वो लोग न्याय नहीं कर पा रहे, तो फिर हम लोग ये कैसे मान लें कि उस BEL जो इस मशीन को असेंबल करके सारी प्रोग्रामिंग जो लोग कर रहे हैं, वो लोग जो उस BJP के पदाधिकारी हैं, वो लोग वहाँ गड़बड़ी नहीं कर रहे होंगे। और इलेक्शन कमीशन से हम पूछना चाहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर क्या या तो स्वीकार कर ले कि वो भी BJP के इशारे पर ही काम करेगा, वरना वो ऐसे लोगों को हटाने के लिए उसने क्या कार्रवाई की? जो शर्मा जी ने उनको चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के लिखने के कई महीने के बाद वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट एंड पार्सल बन गया है BJP जी का, मोदी जी का। हमारा सीधा सीधा कहना है, अभी हम लोग राजकोट के अंदर थे, 29 तारीख को बड़ा प्रोग्राम था, हज़ारों की मात्रा में लोग आए, और वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी ने, और हमने पूरे मंच के माध्यम से EVM का पूरा खुलासा किया, और पूरी जनता ने वहाँ हमें बड़ा समर्थन दिया है। उसके बाद अहमदाबाद में हमने मीटिंग करके आया, यानी पूरे गुजरात के अंदर भी, मैं पूरे देश में देख रहा हूँ, पूरे देश के अंदर लोग अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। पहले तो कल ही देखना आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव, उसमें हज़ारों नहीं लाखों की मात्रा में लोग आ रहे हैं और विरोध करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। और लास्ट में मैं आपके माध्यम से बस एक निवेदन करूँगा देश के लोगों से, ये निवेदन आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से मैं करना चाहूँगा, जब तक चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ये तय ना कर दे कि हम इस बैलेट पेपर से वापस चुनाव कराएंगे, EVM को हटाएंगे, तब तक इस मुहिम को बढ़ाने में सब लोग पूरे देश में इस मुहिम को बढ़ाने में अपना सहयोग करें। और दूसरा एक और सहयोग मैं जनता से मांगना चाहता हूँ, जब तक लोकसभा का चुनाव वोट पूरा ना पड़ जाए, तब तक जितना भी ये TV चैनल हैं, मुख्य मीडिया जिसको लोग कहते हैं, उस मीडिया को, मुख्य न्यूज़ चैनल को देखना बिल्कुल बंद कर दो, चुनाव वोट पड़ने तक बिल्कुल मत देखो, क्योंकि ये सब BJP के पदाधिकारी हैं, उनके जो पूंजीपति मित्रों के खरीदे हुए चैनल हैं, उनको बकायदा चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया है, एक तरफा सारी रिपोर्टिंग करके माहौल बनाने का काम करेंगे, क्योंकि जनता उनसे तंग आ चुकी है, BJP से उनको वोट नहीं दे रही है, लेकिन वोट चूँकि वो तो EVM से चुनाव जीतते हैं, इसलिए उन्हें वोट से तो जीतते नहीं है, इसलिए उन्होंने मीडिया चैनलों को, मुख्य मीडिया चैनलों को लगाया है कि वो लोग BJP के लिए माहौल बनाने का काम करें। इसलिए मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि कई बार जो आम फ्लक्चुएटेड वोटर जो होते हैं, वो लोग प्रभावित हो जाते हैं मीडिया की वजह से, TV की वजह से, तो वो मुख्य मीडिया चैनलों को देखना बिल्कुल बंद करके ये जो सोशल मीडिया YouTube चैनल्स हैं, इनको देखें, क्योंकि ये सच लाके जनता के बीच से निकाल के जनता के बीच सच्चाई को ला रहे हैं, और सच्चाई को आप जानेंगे तो निश्चित तौर पर हम देश के प्रजातंत्र को भी बचा पाएंगे, देश के संविधान को भी बचा पाएंगे। मैं बताएंगे कैसे चुनाव करवाएगा, चिंता ना करो, अभी तो और बड़ा खुलासा होने वाला है, अभी इससे बड़ा। अभी धन्यवाद। अभी हमारा अलग अलग टीम के माध्यम से जो है अलग अलग स्टेट में हमने सर्वे किया है, हमने अलग अलग हमने मेहनत की है, जो जनता का जो एक नागरिक होने के जो कर्तव्य जो है उनको, उनका जो डेमोक्रेसी को, उनके जो नागरिक के मूल्य जो, उनको बचाने के लिए जो हमने मेहनत किया है, उसका फल अभी आने लगे हैं। भानु प्रताप जी और मैं जो है चंडीगढ़ और पूरा पंजाब 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक हम पंजाब में रहे हैं, तो पंजाब से जो है बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स हमें मिला है। किसान आंदोलन की जो मुखिया रहे हैं, जो बलबीर सिंह रजेवाल, उन्होंने हमें जो है, जो हमारा जो मुहिम जो है भानु प्रताप जी सिंह जी के नाम ले करके
पंजाब के एक अखबार में ये जो अपनी समर्थन करते हुए ये प्रकाशित हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो अचीवमेंट है। किसान आंदोलन जो किसान संयुक्त मुक्ति मोर्चा के जो है वो उन्होंने हमें समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दूसरा चीज़, हमने जो मेहनत किया है, जो अलग अलग प्रदेश में जो है अलग अलग स्टेटों में जो है ज्ञापन देने का हमने काम किया है, जो ज्ञापन जो है सीधा राष्ट्रपति जी को है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा गुरदासपुर, पठानकोट, अमरोहा, सिलचर, ये आसाम में है, चंडीगढ़, गुंटूर ये है तेलंगाना में, पटियाला, गोरखपुर मध्य प्रदेश में है, नोएडा, गाजियाबाद, ईटा, उसके बाद सिरोही राजस्थान, जयपुर, कोलकाता, उसके बाद बहरामपुर ये उड़ीसा में है, राजकोट, गोवा, भोपाल, जबलपुर और श्री रविदास संत रविदास नगर, तो इस जगह पर फैजाबाद, ये फिरोजाबाद, मोटा मोटी जो है 70 जगह पर 70 डिस्ट्रिक्टों से हमारा जो ज्ञापन जो है जा चुका है। और जो आने वाले समय पर बहुत बड़े कार्यक्रम जो होंगे, अभी कपिल जी ने आपको बता दिया है। दूसरा चीज़, जो हमारा जो समर्थन जो है ये हम उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा और बढ़ेगा, और देश की जनता जो है अपनी आप को एक अच्छा नागरिक बनने का कोशिश भी हो रहे हैं, और इस ईवीएम को हटाने का जो 2024 का इलेक्शन से पहले हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो चंडीगढ़ में जो हमने जो काम जो अलग अलग जगह पर हमने जो प्रदर्शन जो मीटिंग किए हैं और अलग अलग बार एसोसिएशन से जो बात हुए हैं, तो हमारे जो भानु प्रताप जी ये विस्तार से बताएंगे सब आपको।